नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 यास। तूफान का असर जो है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम पटना के आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तैयारियां हैं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से की जा रही है। कंट्रोल रूम बाजाबता बनाया गया है और तमाम जो परिस्थितियों पर नज़र बनाया जा रहा है। हम आपको डायग्राम के भी माध्यम से दिखाएंगे आखिर जो यास तूफान का जो विंड है वो किस स्पीड से बिहार में रफ्तार पकड़ चुका है। आप देख सकते हैं ये कंट्रोल रूम की तस्वीर है। अब हम आपको लेके चलते हैं, ये डायग्राम देख सकते हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यास तूफान की है। रांची में इस विंड का जो है वो 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो विंड है उसका बहाव है। तो अब हम चलेंगे कि पटना की तरफ आपको लेके चलते हैं आखिर विंड की जो स्पीड है वो कितनी है। तो देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा 54 किलोमीटर पर आवर जो यास तूफान का जो विंड है वो इस रफ्तार से जो पटना के जो वायुमंडल है उसके आसपास इस रफ्तार से यास तूफान का जो विंड है वो चल रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे बिहार में यास तूफान का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि सुबह से ही बारिश जो है हल्की फुल्की और मौसम एक तरह से कह सकते हैं सुहाना हो चुका है पूरे बिहार का। लेकिन सवाल ये कि क्या आने वाले 3-4 दिनों में इसका कह सकते हैं क्या हैवी रेनफॉल बिहार में होने वाला है। तो जो अभी तक का जो पूर्वानुमान जो मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हैवी रेनफॉल तो नहीं, लेकिन अलर्ट मोड में आपदा प्रबंधन विभाग है और लगातार जो परिस्थितियाँ हैं उस पर नज़र बनाई जा रही है और जो फीडबैक जो हर ज़िले से आ रहे हैं उस पर तमाम परिस्थितियों पर नज़र बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से कि आखिर किस तरीके से यास तूफान जो है वो उसकी जो विंड है उसकी जो स्पीड है वो किस तरीके से पूरे आप देख सकते हैं कि जब भुवनेश्वर हो, कोलकाता हो, दुर्गापुर हो, रांची हो और पटना तक इस विंड का सीधे तौर पर असर है और अगले 5 दिनों तक यही असर देखने को मिलेगा। आज का पूर्वानुमान हम आपको दिखा रहे हैं, अब हम चलेंगे कि कल का पूर्वानुमान क्या कहता है, आज यास तूफान जो है उसका असर क्या होने वाला है। ये आज का पूर्वानुमान था, अब ये स्क्रीन चेंज होगी, अब ये 27 तारीख का पूर्वानुमान जो है कल जो अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या कुछ पटना में रहेगा। तो देखिए साफ तौर पे देख सकते हैं कि अभी के हिसाब से कल का पूर्वानुमान ये है कि 89 किलोमीटर पर आवर रफ्तार इस यास तूफान की जो विंड है उसकी रहने वाली है पटना के आसपास के इलाकों में। या कहें पटना क्या, आप देख सकते हैं कि जो विंड जो है वो पूरा एक तरह से कह सकते हैं साउथ बिहार भी कवर कर रहा है और नॉर्थ बिहार भी कर रहा है। तो एवरेज आप ये कह सकते हैं कि कल पूर्वानुमान देखिए भागलपुर आप देख सकते हैं 87 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएँ चलेंगी कल, यानी कि 27 मई को ये पूर्वानुमान आज के हिसाब से लगाया था। इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली भी हो सकती है, विंड की रफ्तार बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, ये आज का पूर्वानुमान है। लेकिन जिस तरीके से आपदा प्रबंधन विभाग बिहार का एक तरह से कह सकते हैं अलर्ट मोड में है, पूरी तरीके से जो यहाँ के लोग हैं नज़र बनाए हुए परिस्थितियों पर। हालांकि सुबह से ही देखा जा रहा है जिस तरीके से दस्तक जो है वो ज़ोरदार तरीके से यास तूफान की हुई है। ओडिशा में इसका असर देखा जा रहा है, बंगाल में भी इसका काफ़ी असर देखने को मिला है। तो बिहार पर इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, तमाम परिस्थितियों पर नज़र कल नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक भी की और तमाम जो परिस्थिति है क्या उत्पन्न, क्या बिहार में आने वाले वक्त में जोरदार बारिश होगी। तो इस सवाल का जवाब हमने जब मौसम वैज्ञानिक से पूछा था तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पूर्वानुमान के हिसाब से बारिश होगी लेकिन चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड में है, काम जो है वो 24 घंटे जारी है और यास तूफान पर पैनी नजर इनकी है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4।